राधे राधे। अर्चना घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेम की चटनी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मेरा सेम ताज़ा ताज़ा घर का है, तो हम ले लिए हैं और 5 ठो हरी मिर्च और धनिया और 1 टमाटर। खाने में बहुत ही सेम का चटनी स्वादिष्ट होता है। तो अब इसको हम एक सस्पेन में सेम को डाल देंगे और पानी भी इसमें हम डाल देंगे। मेरा सेम ताज़ा ताज़ा है, घर के खेतों से तोड़ा हुआ। और 1 टमाटर भी इसी में डाल देंगे और ये सारे को हम पका लेंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। और इधर हम चटनी में खाने के लिए, चटनी के साथ हम आटा सान ले रहे हैं, गूंद रहे हैं रोटी और चटनी के लिए। तो फिर आटा को गूंद लेते हैं जल्दी जल्दी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सान लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का और अच्छी तरह से मेल्ट करके आटा को गूंद लेंगे। और हल्का सा पानी लगाकर इसको हम छोड़ देंगे ताकि कुछ देर में मेरा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इधर हम सेम को चेक कर लेते हैं कि मेरा पका है या नहीं। अभी नहीं पका है तो हम आटा को अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा थोड़ा सा सान कर छोड़ देने से और पानी डालकर फिर सानिएगा तो रोटी बहुत अच्छा फूलता है। अब हम आटा को अच्छी तरह से गूंद लिए हैं। अब हम फिर सेम को अपना चेक करते हैं। देखिए इस बार मेरा पक चुका है। अब इस छिलका को इस तरह से हम छील लेंगे अच्छी तरह से। आप पहले भी छील कर पका सकते हैं अगर ताज़ा ताज़ा सेम न हो तो। अभी मेरा बहुत गर्म है तो इसको इस तरह से हम छील लेंगे। अगर आपका घर का सेम न हो तो आगे ही छील कर तब इसको पकने के लिए डालिएगा, और नहीं तो कीड़ा उड़ाते। मेरा घर का सेम बहुत ताज़ा ताज़ा था इसलिए हम ऐसे ही डाल दिए थे। अब मिक्सर जार में हम इसको पीस लेंगे। तो धनिया पत्ती डाल दे रहे हैं और हरी मिर्च आप जितना तीखा खाना चाहेंगे उसी अनुसार मिर्च को डालिएगा। हम इसमें 5 ठो हरी मिर्च डाल रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको हम मिक्सर जार में डाल कर पीस लेंगे। सेम का चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हल्का सा पानी भी डाल लेंगे, न गाढ़ा ज़्यादा पीसे हैं न ज़्यादा पतला। देखिए कितना अच्छा मेरा चटनी पीस चुका है। इसमें 1/2 नींबू का काट कर रस हम गाड़ देंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर देंगे क्योंकि सेम की चटनी में सरसों का तेल बहुत ज़रूरी होता है। और इसको भी हम मिला लेंगे। देखिए मेरा कितना अच्छा बनकर चटनी तैयार हो चुका है।
आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ, अगर सब्जी वब्जी ना बनाने के लिए मन किया तो इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। अब हम रोटी को पका ले रहे हैं इसके साथ खाने के लिए। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, चटनी और रोटी रात में भी, शाम के खाने में या सुबह के नाश्ते में भी। बहुत अच्छी रेसिपी है। अब हम रोटी और चटनी को बना लेंगे। यदि हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कैसा बना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसको हम एक थाली में सर्व करेंगे, रोटी और चटनी। देखिए मेरा रोटी कितना अच्छा फूला फूला बन रहा है, एकदम इसी तरह से सेक लेंगे हम रोटी को और गर्मा गर्म। सर्व करेंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।